तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, अगर आप लोग भी कुछ इस प्रकार का हैप्पी बर्थडे यानी जन्मदिन का पोस्टर बिल्कुल आसान तरीके से बनाना चाहते हो तो गाइस बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज मैं सबसे आसान तरीके से ऐसा पोस्टर एडिटिंग करने को बताने वाला हूँ। और गाइस, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले उसके लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि पिक्सल लैब है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो पिक्सल लैब को ओपन करते हैं। तो पिक्सल लैब ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आपको सिंपल से थ्री डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन PLP फाइल, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस ऊपर की तरफ आपको तीन ऑप्शन होंगे, तो उसमें से भी आपको PLP वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस जो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ उसको डाउनलोड करने के बाद आपके फ़ोन में जहाँ कहीं भी जाता है उसको ढूंढ लेना है। तो मैं पिक्सल लैब में बनाया हूँ, तो चलो पिक्सल लैब ओपन करते हैं। तो पिक्सल लैब ओपन होने के बाद गाइस आपको लिखा हुआ मिल जाएगा हैप्पी बर्थडे पोस्टर फॉर PLP, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलो गाइस मैं उसको ढूंढ लेता हूँ कहाँ पर है। तो गाइस अगर आप लोग डाउनलोड भी करोगे तो यही लिखा हुआ मिलेगा हैप्पी बर्थडे पोस्टर फॉर PLP, तो इस पर आपको क्लिक करके ओपन एंड्रॉइड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको सिंपल से एक बार बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद गाइस देख सकते हो कि हमारा बनाया हुआ पोस्टर कुछ इस प्रकार से ऐड हो चुका है। तो इसमें से आप जो चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे कि ये वाला फोटो हटाना चाहते हो तो गाइस इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाना है, और इस इमेज पर देख सकते हो गाइस कि हमने लॉक को डाला है, तो इस पर लॉक को हटा लेना है। और हटाने के बाद गाइस फिर से इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहां से आप लोग ये फोटो रिमूव कर सकते हो। और गाइस अगर आप लोग का फोटो PNG नहीं हो तो गाइस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक PNG फोटो कैसे बनाए दिया हूँ, उसको जाकर आप लोग देख सकते हो। और गाइस आप लोग ऐसा शूट वाला फोटो एडिटिंग करना चाहते हो तो गाइस उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। गाइस उस वीडियो को जाकर आप देख करके ऐसा शूट वाला फोटो क्रिएट कर सकते हो। तो इस फोटो को हटाकर गाइस अगर आप लोग तो फोटो को हटाकर दूसरा फोटो ऐड नहीं करने आता है तो गाइस उसका भी लिंक मैं सेकंड नंबर पर दिया हूँ, वो जाकर आप वीडियो देख सकते हो। और गाइस इसको रिमूव करने के बाद गाइस यहाँ से आप लोग अपना फोटो लगा लेना है, और यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है। इस पर डबल टैप करके गाइस यहाँ से आप लोग अपना नाम लिख सकते हो, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी लिखना चाहते हो तो इस मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर डबल टाइप करके गाइस यहाँ से आप लोग अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हो। और इसमें जो कुछ चेंज करना चाहते हो बस उस पर डबल टाइप करना है उसके बाद। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो कि बर्थडे का डेट डाला हुआ है, तो इस पर भी डबल टाइप करके आपका जो भी बर्थडे का डेट है वो डाल सकते हो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आ गई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।